अल्लाह स्टूडेंट्स सोशल एंटरप्रन्यशिप की फील्ड में रिसर्च से पता चला है कि फोर्टी परसेंट से ज़्यादा सोशल एंटरप्राइजेज या नए इनिशियटिव जो हैं वो फर्स्ट फ्यू ईयरस के बाद ख़त्म हो जाते हैं यानी वो सस्टेनेबल नहीं है फोर्टी परसेंट एक बहुत बड़ा नंबर है इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट इट इन् लॉट ऑफ कॉस एंड इट इन्स लाइफ्स ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल ये बहुत सारे लोगों की जिंदगीों का मामला है क्योंकि सोशल एंटरप्रनशिप का बेसिक प्रमिस जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल चेंज लाना है आप इमेजिन करें अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कोई प्रॉमिस करता है आपकी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए कोई हैप्पी चेंज लाने के लिए और आपको आधे रास्ते में छोड़ के चला जाए या उस चेंज को पूरा ना कर सके तो आप कैसे फील करते हैं बिल्कुल ऐसे ही कम्यूनिटीज़ और सोसाइटीज़ हैं ख़ास तौर पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अमूमन जो एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट है वो डिसएडवान्टज सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो हैं डिसवान्टज कम्युनिटीज़ के लिए एफ़र्ट की की जाती हैं कभी कभार ये एफर्ट पूरे माशरे के लिए होती है जैसे इन्वायरमेंटल चेंज है लेकिन ज़्यादातर पहले ही वो ऐसे लोग होते हैं जो डिसएडवान्टज हैं और अगर सोशल एंटरप्राइज जो बड़े क्लेम बड़े प्रामिसज बड़े फैनफेयर के साथ शुरू किया गया कि हम आपकी ज़िंदियाँ बदल के रख देंगे या अगर आप ये वाले स्टेप्स लेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी ज़िंदियाँ बदल जाएंगी और फिर वो ना हो तो कैसा महसूस होता है और ये आम है माइक्रो फाइनेंस के जहाँ बहुत बड़े बड़े कामयाब प्रोग्राम्स हैं ग्रामीण बैंक और उसकी तरह के वहीं बेशुमार डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो भरा पड़ा है उसको कहते हैं माइक्रो फाइनेंस प्रोग्रामों का कब्रस्तान कहा जाता है जहाँ लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए लेकिन फिर उसको किसी न किसी वजह से चला नहीं सके तो सस्टेनबलिटी जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस या किसी भी और ज़िंदगी के डायमेंशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सस्टेनेबिलिटी जो है इसकी दो डायमेंशंस हैं एक सोशल एंटरप्राइज को ये डिमॉन्सट्रेट करना होता है कि इट कैन सर्वाइव एंड इट कैन कवर इट्स ऑपरेशनल कॉस कि वो अपने आप को ओवर द टाइम ऑपरेशनल रख सकता है एक सोशल एंटरप्राइज और दूसरे के जो उसका सोशल इम्पेक्ट है वो लोगों को नज़र आता है लोग उससे बेनिफिट करते हैं और वो चेंज जिसका प्रॉमिस था वो नज़र आना शुरू हो जाती है उसको नोटिस किया जा सकता है उसके जो भी टेंजिबल या इनटेंजिबल इंडिकेटर्स हों तो सस्टेनेबिलिटी जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर के विदिन के वो चल रहा है सस्टेन सरवाइव कर रहा है और दूसरे कि उसका इम्पेक्ट लोगों तक पहुंच रहा है ना सिर्फ सोशल एंटरप्राइज के लिए सस्टेनेबिलिटी की ये दो डायमेंशनस हैं बल्कि तीन एरियाज़ में सस्टेनेबिलिटी जो है वो सोशल एंटरप्राइज से रिक्वायर्ड है उसमें सोशल सस्टेनेबिलिटी है कि माशरे में तब्दीली जो है वो लॉन्गर लास्टिंग हो चीज़ें दोबारा ख़राब ना हो अगर प्रोजेक्ट एंटरप्राइज ख़त्म भी हो जाए तो लोग अपने आप को वो बेहतर पोजीशन में कैरी कर सकें वो दोबारा से उस डिसएडवांटेज का शिकार ना हो जाए इकनॉमिक सस्टेनेबलिटी है कि जो सोशल एंटरप्राइज है जो वेंचर है वो अपने आप को सस्टेन कर सके। अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं भी है या प्रॉफिट अर्न नहीं भी करता तो कम से कम अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करता रहे ताकि लोगों तक सोशल इम्पेक्ट पहुंचता रहे और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से एक्सपेक्टेशन है कि ये इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल हो अमूमन इंसानी फितरत है कि जब लोग एक अच्छा काम करते हैं तो फिर वो कुछ ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं नहीं और करते कि उनके बाद दूसरे काम जो हैं वो गलत हैं या नुकसानदेह हैं वो जिसको कहते हैं कि एथिकली सेल्फ राइटसनेस से एक फ़ील करना कि बस मैं तो ठीक हूँ और मैं तो ठीक कर रहा हूँ तो सोशल एंटरप्राइज में ये बड़ा रिस्क होता है कि आप चूंकि आप एक सोशल कॉज लेके चल रहे हैं एक कमिटमेंट है एक बेहतर तब्दीली का वादा और उसकी डिलीवरी है तो ऐसे में आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस के लिए या सर्विसेज़ की डिलीवरी के लिए कहीं वो एनवायरमेंट को कहीं और किसी तरह से डैमेज तो नहीं कर रही तो ये चीज़ जो है सोशल फाइनेंशियल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जब कोई एंटरप्राइज जो है वो तीनों तरह की शो कर सके तो फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में उसको सस्टेनेबल सोशल एंटरप्राइज गिना जाता है अदरवाइज नहीं थैंक यू